जैसा कि आप देख सकते हैं हम अंदर जा रहे हैं, काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, कीचड़ वगैरह हैं, काफ़ी संभल के मेरे को जाना पड़ रहा है क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं ये ऊपर से जो पहाड़ों में से पानी की सील आती है वो सब इसमें जमा हो गई है। तो अभी हम आगे जाएंगे, आगे जाके आपको बताएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल रहमो चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला एक ऐसे मज़ार शरीफ की जो अजमेर शरीफ में एक गुफा है, उस गुफा के पास में ही है वो मज़ार शरीफ। आज मैं आपको उसी मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने वाला हूं और मैं आपको मज़ार शरीफ के बारे में काफ़ी सारी मालूम भी देने वाला हूं। हमारे को जो मालूम देंगे वो साबिर भाई देंगे, साबिर भाई ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब है। दोस्तों मैंने अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाया है, अगर आप अजमेर शरीफ की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम साबिर भाई से मिलते हैं और उनसे सारी मालूम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, आपको सलामत रखे, अपनी पनाह में रखे, तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाए। हुजूर गरीब नवाज के सदक़ा तुफैल आप सब लोग खुश आबाद रहें और हुजूर गरीब नवाज के करम के साए में रखें। तो जैसा कि हमारा मिशन है वो मिशन औलिया, तमाम बारगाहों की आपको हाज़िरी कराने की अपनी वीडियो के ज़रिए हम लोग अपनी वीडियो के ज़रिए आप लोगों को तमाम बारगाहों की हाज़िरी कराते हैं ताकि आप लोग उन बारगाहों पे जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए अपना सलाम अपनी दुआएं वहाँ पे पेश कर सकें। तो जैसा कि हमें अभी मालूम पड़ा है अजमेर शरीफ में ही हमने मालूमात की है और काफ़ी लोगों से ये मालूम किया है, कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे एक गुफा है, एक सुरंग है जो करीब 1000 से 1200 साल पुरानी है और कई लोग ये कहते हैं, ये बोलते हैं हम लोगों को कि वह सुरंग के अंदर जो सुरंग है राजा महाराजाओं के टाइम की सुरंग है वो, और उस सुरंग के अंदर एक मज़ार भी है। तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे देखते हैं और वो मज़ार किस जगह है और कहाँ पर है उसकी आपको ज़ियारत कराएंगे, हाज़िरी कराएंगे। और अभी वहीं पे ठंडी गुफा पे चलते हैं और वहाँ की ये खासियत है लोग बताते हैं और जाके लोगों ने काफ़ी लोगों ने देखा भी है। और वो सुरंग और वो गुफा ऐसी है कि उस गुफा के अंदर कई कुएँ हैं, लोग बोलते हैं उसके गुफा के अंदर कई कुएँ हैं, सुरंग के अंदर ही कुएँ हैं। और लोगों से ऐसा भी सुना है कि कोई बोलता है कि हम अंदर जाकर आए हैं और वहाँ पर 5 कुएँ हैं, कोई बोलता है 7 कुएँ हैं, कोई बोलता आगे तक कुएँ हैं। तो वहाँ सुरंग के अंदर उसमें क्या राज छुपे हैं अभी चलते हैं, चल के आपको वहीं पे दिखाते हैं कि उस सुरंग का राज क्या है। इतनी पुरानी सुरंग है और लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ पे सुरंग के अंदर से हमेशा ठंडी ठंडी हवा आती है, जैसे एयर कंडीशन में से हवा आती है। गर्मी के दिनों में लोगों का वहाँ जमावड़ा रहता है, आसपास के जितने भी रहने वाले हैं लोग उस गुफा के आसपास ही बैठे रहते हैं और वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। कितनी भी मई जून की तेज़ गर्मी हो लेकिन उसके अंदर से हमेशा ठंडी हवा आती है, जिस तरीके से एसी में से हवा आती है वैसी ही हवा आती है। और लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद बैटरियाँ काम नहीं करती हैं, टॉर्च वगैरह ले जाते हैं उनकी रोशनी कम पड़ जाती है, वो डीम हो जाती है वो, और वो सेल वगैरह जो है वहाँ पे फैल हो जाते हैं। तो लोग ऐसे चिराग वगैरह मोमबत्ती वगैरह लेकर भी अंदर जाते हैं और लोग ऐसा बोलते हैं कि हम वहाँ पे गए हैं और जाके उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं आपको वो जगह दिखाने के लिए और वहाँ पे क्या है, क्या हकीकत है और क्या राज है उस गुफा का, उस सुरंग का। अभी चलते हैं वहाँ पर और चल के आपको बताते हैं, आइए चलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम वहीं पर जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो सुरंग है और जो जिसको लोग ठंडी गुफा बोलते हैं और शीशा खान के नाम से भी वो जगह मशहूर है। तो दरगाह से करीब में ही है, वो दरगाह से करीब 5-7 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे हम जा रहे हैं और जाके आप लोगों को सबको दिखाएंगे कि उस गुफा के अंदर क्या है, क्या हकीकत है, उसके अंदर कितने राज छुपे हैं और उसके अंदर जैसा कि लोग बोलते हैं, लोगों ने ऐसा आके कहा कि मज़ार भी हैं और काफ़ी अफवाहें उड़ती हैं उस गुफा के बारे में, काफ़ी अफवाहें उड़ती हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि उस गुफा के अंदर जो जाता है वो आगे तक जो निकल जाता है वो कभी वापस आता नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने ये कहा कि हम थोड़ी दूर तक पहुँचे, 5वें कुएँ तक पहुँचे, 7वें कुएँ तक पहुँचे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है।
तो अभी सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी और हमारे भी सामने आ जाएगी कि वहाँ पे क्या है कि उससे आगे कोई जा नहीं सकता है। लगभग जैसा मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, वो जो गुफा है, ठंडी गुफा है, वो जो सुरंग है, लगभग 1000 से 1200 साल पुरानी हो सकती है और इतनी ही पुरानी होगी क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम की बनी है। तो अभी हम जाएंगे गुफा के अंदर और गुफा के अंदर जाने के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से अंदर जाया जाएगा और अंदर जाने के बाद गुफा में मज़ार है या नहीं है। तो लोग काफ़ी लोगों ने बोला है आके वहाँ से कि उस गुफा के अंदर मज़ार है, लोग वो फूल वगैरह भी लेके जाते हैं। तो अभी हम चलेंगे और आपको अंदर गुफा कैसी है, उसमें कुएँ वगैरह हैं या नहीं हैं, वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इलाका है, ये शीशा खान का इलाका है, शीशा खान कहलाता है और यहीं से उस गुफा में जाने का, उस सुरंग में जाने का रास्ता है। तो अभी हम आपको वहीं पे लेके चल रहे हैं। तो इस तरफ से ये डिग्गी बाज़ार की तरफ जाता है ये वाला रास्ता जो आपको सामने की तरफ दिख रहा है। हम लोग जो दरगाह के करीब वाला रास्ता है उस रास्ते से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं, मंजिल के करीब ही पहुँच गए। थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे सामने की तरफ ही वो सुरंग है, वो गुफा है जिसके बारे में आपको बताना है। और इस सुरंग के अंदर, इस गुफा के अंदर क्या क्या राज छुपे हैं वो सब आपको अभी दिखाते हैं। तो दोस्तों हम मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। ये सामने की तरफ जो आपको खंडर नुमा दिख रहा है रास्ता, इसी को ठंडी गुफा बोलते हैं और यही वो सुरंग है जिसके बारे में आपको बताना है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपको बताएंगे। आसपास के लोग, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे चबूतरे वगैरह बने हैं। गर्मी के दिनों में यहाँ पे काफ़ी ठंडी चिल्ड हवा आती है, एकदम ठंडी हवा आती है, लोगों को गर्मी का एहसास नहीं होता है। लोग इसीलिए ठंडी हवा का वो मज़े लेने के लिए यहीं पे उनका जमावड़ा रहता है और यहीं पे बैठे रहते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं और मेरे को देखने में काफ़ी ये डरावनी लग रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अंदर जाने की। आसपास के लोग क्या है, कचरा वगैरह अब यहीं पे डालने लग गए हैं, इस वजह से काफ़ी गंदगी है यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अंदर जा रहे हैं और काफ़ी डरावना रास्ता है और झुक के अंदर जाना पड़ रहा है और इस रास्ते में काफ़ी कीचड़ वगैरह है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ से सीम वगैरह आती है, ऊपर पहाड़ों की पानी आता है और इसमें काफ़ी कुएँ वगैरह भी हैं लोग जैसा बोलते हैं। तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, इस गुफा में क्या राज छुपे हैं, इस गुफा के अंदर जैसा कि लोग बोलते हैं मज़ार है या नहीं है, वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ पे काफ़ी कीचड़ वगैरह है, पानी वगैरह आता है, ये आप जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, कीचड़ वगैरह हैं, काफ़ी संभल के मेरे को जाना पड़ रहा है। और जैसा कि लोग बोलते हैं इसके अंदर काफ़ी कुएँ हैं और ये पहाड़ के अंदर बनी हुई है ना, तो इसके अंदर कीचड़ पानी इसी वजह से है क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं ये ऊपर से जो पहाड़ों में से पानी की सील आती है वो सब इसमें जमा हो गई है। तो अभी हम आगे जाएंगे, आगे जाके आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। चलते हैं अंदर की तरफ। हमारे साथ पूरी टीम है, मेरी अकेले आने की तो हिम्मत थी नहीं, कैमरामैन है और दो भाई और हैं मेरे साथ में। तो अभी अंदर चल रहे हैं हम लोग। काफ़ी ख़राब रास्ता है, संभल संभल के अंदर जाना पड़ रहा है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी दलदली इलाका हो रहा है, अंदर कीचड़ की वजह से काफ़ी दलदल हो रहा है और काफ़ी गंदगी है। और अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे, हम आगे जाके और देखेंगे क्या है अंदर। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं पहाड़ों में से काफ़ी पानी टपक रहा है, और पहाड़ों में से पानी इसी वजह से टपक रहा है क्योंकि पहाड़ों में जो पानी की सील आती है, पानी की सीलन आती है उस वजह से। और हो सकता है कि हम अभी पहले कुएं के वहां तक पहुंच गए हैं, जैसा कि लोग बोलते हैं, हम पहले कुएं के वहां तक पहुंच गए हैं। और देखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गुफा, इस सुरंग के अंदर कोई मज़ार वज़ार नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लोग अफवाह उड़ाते हैं। क्योंकि जहाँ पे मज़ारात होते हैं वहाँ पे इतनी गंदगी वगैरह नहीं होती है और इतना कीचड़ वगैरह, लेकिन कीचड़ वगैरह तो ये पानी की वजह से जो सीलन आ रही है उसकी वजह से है। लेकिन मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कोई मज़ार हो सकता है। तो अब हम वापस बाहर चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम अभी बाहर आ गए हैं इस गुफा से, इस सुरंग से, और काफ़ी अंदर कीचड़ दलदल है, इसकी वजह से हम लोग आगे जा नहीं पा रहे थे और आगे जा भी नहीं पा सकते हैं। कीचड़ की वजह से आगे जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम पूरा इंतज़ाम करके नहीं आए थे, और काफ़ी दलदल टाइप कीचड़ है अंदर। और जैसा कि लोगों ने बताया था कि अंदर मज़ार वगैरह है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अंदर, ये झूठी अफवाहें लोगों ने उड़ा रखी हैं। और अभी सुरंग के पास में कहाँ पे किस जगह पे मज़ार है वो हम आपको अभी बताएंगे। तो हो सकता है लोग उसके लिए बोल रहे हों, अभी हम आपको वहाँ पे लेकर चलेंगे। हसन शाह बाबा जो शहीद हैं उनकी मज़ार है यहाँ पे, लेकिन इस गुफा, इस सुरंग के अंदर कोई मज़ार नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये गुफा राजा महाराजाओं के टाइम की है और काफ़ी पुरानी सुरंग है, लगभग 1000 से 1200 साल पुरानी सुरंग है। तो अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं सुरंग के गुफा के करीब में ही मज़ार है हसन शाह बाबा का। तो अभी हम वहाँ पे लेकर आपको चल रहे हैं और वहाँ पे आपको हाज़िरी कराते हैं और दुआएं खैर करते हैं, वहाँ पे चल के फातिहा खानी करेंगे। दोस्तों अभी हम करीब पहुँच गए हैं जहाँ पे हज़रत हसन शाह बाबा का मज़ार है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये उधर ही सुरंग की तरफ जा रहा है, और इस तरफ से जो रास्ता है डिग्गी बाज़ार की तरफ से आता है, और यहीं इसी के करीब में यहाँ पे ये हसन शाह बाबा का मज़ार है। और अभी चलते चलते मेरे जहन में एक हदीस मुबारक मेरे चलते चलते अभी मेरे जहन में एक हदीस मुबारक है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो मैं आपको बयान करता हूँ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 100 रहमतें पैदा की हैं, और हर रहमत इतनी वसी है कि जितना ज़मीन और आसमान के बीच में वसअत है, और उसमें से एक रहमत दुनिया के लोगों में तकसीम कर दी गई है, और उसी रहमत की बरकत की वजह से माएँ अपनी औलाद पर मेहरबानी करती हैं, परिंदे और वहशी जानवर एक जगह पर पानी पीते हैं, और जो दुनिया में लोग हैं वो एक दूसरे से हमदर्दी करते हैं। तो बाकी की जो 99 रहमतें अल्लाह ताला की, वो उन लोगों को मिलेंगी जो परहेज़गार हैं और अल्लाह ताला से डरते रहते हैं। तो इस तरीके से वो पूरी जो 100 रहमतें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं वो उन लोगों को मिलेंगी, उन लोगों को हासिल होंगी जो परहेज़गार हैं और अल्लाह ताला से डरते रहते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक थी रहमत के मुतालिक, जो मैं आपको बयान कर चुका हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं हज़रत हसन शाह बाबा के दरगाह के करीब में, अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के फातिहा खानी करेंगे, आपको बताएंगे। यहाँ पे एक बाहर की तरफ एक मज़ार और है, ये मज़ार किसका है इसका नाम अभी हमको मालूम नहीं हुआ है, और जो हसन शाह बाबा का जो मज़ार है
वो अंदर की तरफ है। चाबी अभी हमने मंगवा ली है और चाबी मंगवाने के बाद आपको अंदर लेकर जाएंगे और हाज़िरी करवाएंगे और दुआ करेंगे और फातिहा खानी करेंगे। तो दोस्तों चाबी हमारे पास आ चुकी है। ज़्यादातर ये जो मज़ार है और जो बारगाह है ये बंद ही रहती है और यहाँ के जो आसपास के पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उन्हीं के पास यहाँ की चाबी रहती है और वही यहाँ की खिदमत वगैरह साफ़ सफ़ाई देखभाल करते हैं। और जब उर्स वगैरह होते हैं तो जितने भी मोहल्ले के लोग हैं वही यहाँ के उर्स करते हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं, इंशाल्लाह अंदर चल के आपको हाज़िरी कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ पे अभी दुआ करेंगे और फातिहा खानी करेंगे। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने ये मज़ार है, जैसा कि हमको मालूम हुआ है ये इनका नाम है हज़रत हसन शाह बाबा और लोग ऐसा कहते हैं कि शहीद हैं और काफ़ी पुरानी मज़ार है, लगभग 450-450 साल पुराना मज़ार है और पुराने टाइम से यहाँ पे। और पहले ये मज़ार जो है खुला हुआ था, अब मोहल्ले के जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे इस पर टीन शेड वगैरह डलवा दिया है और अच्छा कलर वगैरह करके इसको साफ़ सफाई करके और नीचे की फ़र्श वगैरह बनवा के काफ़ी खूबसूरत बना दिया है। तो आप लोग हाज़िरी कर सकते हैं और अपना सलाम पेश कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के ज़रिए। और आइए चलते हैं, फातिहा खानी करते हैं, दुआ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात खास खुलासा मुजा ज़लुल मखलूक़ात सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इला तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतुल औलिया बुरहानुल असफिया सिराजुल मिल्लत वद्दीन इमामुल मुत्तकीन मुकर्रबे बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून कुतुल अज़ीज़ हज़रत सुल्तानुस सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुकर्रबीन वल मुहक्किकीन बंदगी हज़रत कुतुबुल अख़्ताह हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी कुतुल अज़ीज़ जमी आल व औलाद मे वालदेन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी जल्ली मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियत रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली वल वालिदैय्या व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतैना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िराति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद्दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज़्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाब الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रथ शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बा करे इल्म हुदा के वास्ते। अल्लाह तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में, पंज तन पाक के सदक़ा तुफ़ैल में, हुज़ूर गरीब नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल में हमने जो यहाँ पर दुआ की है, फातिहा खानी की है, ये हज़रत हसन शाह बाबा की बारगाह में नज़र है, इसको कबूल और मकबूल अता फरमा और हमारी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फरमा। और हमारे इस वीडियो के ज़रिए जो जो लोग अपना सलाम पेश कर रहे हैं, अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं, उनकी भी हाज़िरी को कबूल और मकबूल अता फरमा, करम और रहम अता फरमा, अपनी रहमत के साए में रख। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बाद के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो दोस्तों अभी हमने आपको हाज़िरी करा दी है हज़रत हसन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की, जो जैसा कि लोगों ने बताया यहाँ पे एक मज़ार है, इनका नाम ये है। हम फौरन यहाँ पे आ गए और ताकि आपको भी हमारे इस वीडियो के ज़रिए यहाँ की हाज़िरी हो सके। जैसा जैसा हम लोगों को मालूम चलता जा रहा है अजमेर शरीफ में काफ़ी बारगाहों की काफ़ी मज़ारात की आपको हम हाज़िरी करा चुके हैं और जैसा लोगों को हमारे मिशन के बारे में पता चल रहा है तो लोग आगे रह के खुद आके हमको बताते हैं कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ की वीडियो बनाइए, काफ़ी पुराने मज़ार हैं। और लोगों ने ऐसा बताया भी था हमको कि ठंडी गुफा जो है, जो सुरंग है उसके अंदर भी
मज़ार है वहाँ पे जाइए, लेकिन हमने जाके देखा तो हमको ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, वहाँ पे कोई मज़ार वगैरह नहीं है और ये सिर्फ़ एक अफवाह है। और जो सुरंग है, जो गुफा है, उसके करीब में, उससे थोड़ा दूरी पे आने के बाद यहाँ पे एक बारगाह है सैयद हज़रत हसन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ की हमने आपको हाज़िरी करा दी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा मिशन है आपको तमाम बारगाहों की हाज़िरी कराने के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे इस मिशन से, मिशन औलिया से। और आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आती है, काफ़ी सारी वीडियो और जो दूसरी वीडियो है सब पसंद आती हैं, तो आप सब जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और इनको लाइक करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मालूमात, इसकी जानकारी हो सके। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम आपको हाज़िरी कराते रहेंगे, और तमाम बारगाहों की जैसा जैसा हमको पता चल रहा है, पहले अजमेर की तमाम बारगाहों की आपको हाज़िरी कराएंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम यहाँ से बाहर जाएंगे और बाहर जाके आपको हाज़िरी कराएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नई मालूमात, एक नई बारगाह की हाज़िरी कराते हुए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मैंने आपको ज़ियारत करा दिया हज़रत हसन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की, और मैंने आपको जो यहाँ पर गुफा है शीशा खान पर, जो ठंडी गुफा के नाम से मशहूर है गुफा, वो गुफा भी मैंने आपको दिखा दिया, और साहिबा ने आपको गुफा के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। और जो गुफा के पास में जो दरगाह शरीफ है हज़रत हसन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ की भी आपको साहिबा ने पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों, मैंने अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाया है, अगर आप अजमेर शरीफ की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में बेल आइकन की दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।